चलिए गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आज अपना इस चैप्टर का तो लास्ट लेक्चर ही होगा फॉर श्योर। वी हैव गॉट थ्री क्वेश्चंस टू बी डूइंग, सो लेट्स स्टार्ट अवे विद दोज थ्री क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। इससे पहले मेरे को एक चीज जरा बताओ, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स किए, मेरे को नाम तो बता सकते हो? एक आउटपुट मेथड किया, सेल्स वैल्यू मेथड किया, नोशनल सेल्स वैल्यू जिसको हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद उस एक एडजस्टेड नोशनल दैट इज टू बी फॉलोड व्हेनेवर द प्रॉफिट परसेंटेजेस आर गिवन, फिर उसके बाद एक मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड किया, फिर पिछले लेक्चर के अंदर एक ग्रॉस मार्जिन मेथड किया जो अजीब ही मेथड था। ओके, सो दीज आर द वेरियस मेथड्स दैट वी ऑल हैव डन, माइट बी द लास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू बी डूइंग नाउ, एंड दिस लास्ट वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है तुम्हारा, अभी ये कैसे काम करता है मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोग को ना उसका थियरी बता रहा हूं। ठीक है, उसका थियरी बताऊंगा, फिर उसके बाद यू ऑल विल स्टार्ट टू बी डूइंग इट। ठीक है, ये वाला मेथड इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू कैन कंप्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वाला मेथड तभी पॉसिबल होगा जब सम के ना वेरिएबल कॉस्ट अलग से दिया रहता है। वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो सुनो कुछ ऐसे करने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना। जो भी तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट होता है ना, अगर सम के अंदर उसका दो पार्ट्स करके दिया हो, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोल देते हैं, और अगर सामने बोला हो ये वाला मेथड फॉलो करना, ये वाले मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू वे टू बी डिवाइडिंग जॉइंट कॉस्ट। अभी ये वाला मेथड काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना जरा प्लीज। इसका डिवीजन अलग तरीके से करेंगे, इसका डिवीजन अलग तरीके से करेंगे, और कैसे करेंगे, आई एम रीडिंग अप द थियरी। ठीक है, वो तुम्हारे नोट्स के अंदर शुरू में अलग से दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो वाला थियरी मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड ट्राइंग टू थिंक योर सेल्फ कि भाई आंसर कैसे आएगा। बस एक चीज, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड इंटू टू पार्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वो मैंने बोल दिया। द वेरिएबल कॉस्ट आर अपोर्शनड ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे बोले तो विच मेथड, तो आउटपुट मेथड। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिवाइड कर देने का बेस्ड अपॉन आउटपुट मेथड, जिसको हम लोग एवरेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज मतलब आउटपुट मेथड यार। इन केस द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, then all the variable cost incurred must be added to the variable cost determined earlier. उसका मतलब क्या है, ये जो variable cost है पहले A और B के अंदर divide हो जाएगा, in what particular ratio, in the ratio of बोलो units। ठीक है, तो एक हिस्सा variable cost का A को मिल गया, एक हिस्सा B का मिल गया। ठीक है, suppose A और B को हम लोग आगे process करके बेचते हैं, आगे process करके बेचते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बोला, इन केस प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस फर्दर आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट देन ऑल द वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड मस्ट बी एडेड टू द वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन्ड अर्लियर। तो अगर इसके बाद कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हो रहा है तो ये वाले वेरिएबल कॉस्ट जो लगेंगे सेपरेशन पॉइंट के बाद उसको इन कॉस्ट के अंदर एड कर देना जो पहले मिले थे, जो हम लोगों ने आउटपुट मेथड के हिसाब से डिवाइड किए थे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इन दिस वे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अराइव विच इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सेल्स वैल्यू टू ए सर्टेन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स लेना, सेल्स के अंदर से टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में दो टाइप ऑफ कॉस्ट आएंगे, कौन से,
जो जॉइंट कॉस्ट के ना वेरिएबल वाला पार्ट था, जो हम लोगों ने आउटपुट मेथड के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था, और दूसरा हम लोग यहां पे वो जो सेपरेशन पॉइंट के बाद कॉस्ट लग रहा था. द फिक्स्ड कॉस्ट आर देन अपोर्शन ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियोज. मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होता है बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ना इसी चीज का तुम लोग को एक यहां पे काइंड ऑफ स्टेप्स दे रहा हूं, लेकिन वो लिखना मत, उस पैराग्राफ के अंदर है सब कुछ. सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट का जो वेरिएबल वाला पार्ट है, दैट यू डिवाइड इन रेशियो ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो जरा सोचो, जॉइंट कॉस्ट का जो एक पार्ट था वेरिएबल वाला पार्ट, उसके दो हिस्से तो हो गए. ठीक है, उसके बाद एड पॉइंट नंबर वन वाला कॉस्ट टू. आगे बोलो, आगे बोलो. जो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट के अंदर जो वेरिएबल वाला कॉस्ट है, तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है. एक बार ये वाला काम कर लोगे, ठीक है, तो जरा सोचो, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, किधर भी उसका सेग्रीगेशन तो हो गया. ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या करने का, फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. मेरे को बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होता है बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट बोले तो जो भी पॉइंट नंबर टू के अंदर आया था. ठीक है, फोर्थ, फिर तुम्हारा जो भी फिक्स्ड कॉस्ट था, जो भी तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट था, डिवाइड जॉइंट कॉस्ट का फिक्स्ड वाला पार्ट, ओके, इन द रेशियो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. तो जरा सोचो, जॉइंट कॉस्ट का दो ही पार्ट था ना, एक वेरिएबल वाला जिसको पहले डिवाइड कर दिया, और अभी जो था वो फिक्स्ड वाला, उसको अभी डिवाइड कर दिया बस. तो वेरिएबल वाला जॉइंट कॉस्ट का पहले डिविजन हो गया, फिर उसके बाद फिक्स्ड वाले जॉइंट कॉस्ट का अभी डिविजन हो गया. एक बार वो कर दोगे, लास्ट स्टेप शायद वहां पे वो लिखा नहीं लेकिन वो इंप्लाइड है, इसको और इसको एड अप कर देना, तुमको जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन मिल जाएगा. क्योंकि जॉइंट कॉस्ट का दो पार्ट्स है, एक वेरिएबल वाला पार्ट, एक फिक्स्ड वाला पार्ट. वेरिएबल वाले पार्ट का पॉइंट नंबर वन के अंदर सेग्रीगेशन कर लिया, फिक्स्ड वाले पार्ट का पॉइंट नंबर फोर के अंदर सेग्रीगेशन कर लिया. ओके, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर केस योर टोटल डिविजन ओवर हियर. ठीक है, मैं तुमको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ना प्रोडक्ट्स आगे प्रोसेस नहीं हो रहे, तो शायद तुमको कई स्टेप्स यहां पे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है. तुम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, तुम लोग मेरे को जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन देना. जॉइंट कॉस्ट इज 4400 प्लस 3900, दिस इज योर जॉइंट कॉस्ट. मेरे को इसका बाइफर्केशन चाहिए. रफ के अंदर जाओ, जो अभी अभी पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करना, ट्राई करो. मेरे को भी आंसर्स वो नहीं मालूम है, आई एम गोना बी सॉल्विंग विद यू ऑल ओनली. विजित, वो मेरे को भी नहीं मालूम, मैं थोड़ी देर के अंदर आई विल बी एबल टू कंफर्म, क्योंकि मेरे को सॉल्व नहीं करना है. अगर मैं अभी रफ के अंदर सॉल्व करूंगा ना, तो मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट हो जाऊंगा मजबूरी के अंदर, जो मेरे को नहीं करना है. विजित, शायद आपका आंसर गलत है, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है. प्रथम, शायद आपका आंसर करेक्ट है. हाँ, दिखाता हूं एक मिनट, फिर ये वाला पेज चला जाएगा. एक सेकंड, मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर वाला मैं सब डिलीट कर देता हूं, ताकि तुम्हारे पास वो दोनों चीजें रहें. जो मैंने लिखा था वो नहीं दिखाता, जो ओरिजिनल वर्ड से वो दिखा देता हूं. एक सेकंड ना, किधर गया किधर गया किधर गया, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये रहा. चलो अभी दोनों चीजें वो देख लो. शायद आघोष, आपका आंसर करेक्ट है. शायद नेहा, शायद गलत है, मेरे को थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तने, शायद करेक्ट है.
बेटा ऐड अप करके बोल कुणाल मेरे को, दोनों आंसर्स मेरे को ऐड करके बोल, फिक्स्ड का और वेरिएबल का प्रोडक्ट ए का टोटल। साक्षी आपके दोनों आंसर्स का टोटल 8300 बेटा वो होना चाहिए, मेरे को इंडिविजुअली नहीं मालूम है। उज्जवल शायद करेक्ट है बेटा। कुणाल शायद गलत है, शायद साक्षी करेक्ट है। चलो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूं, सुनो, वील एग्जैक्टली गो इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट बोले तो मार्जिनल कॉस्ट आर अपोर्शन ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट्स इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट 4400, उसको यूनिट्स की रेशियो के लिए डिवाइड कर देना। तो यूनिट्स की रेशियो मतलब 100 and 120, पहले वो वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी नोटबुक्स के ना लिखो जरा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ, अपोर्शनमेंट ऑफ वेरिएबल पार्ट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, ये आउटपुट रेशियो के ना डिवाइड करने का है, तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनड। यहां पे मेरे प्रोडक्ट्स का जो नाम था दैट इज ए एंड बी, आउटपुट जो था दैट्स 100 and 120, टोटल आ जाएगा 220। जॉइंट कॉस्ट जो मार्जिनल जो वेरिएबल वाला पार्ट था मतलब 4400, तो ये कितना आ जाता है बेटा 2000 2400। ठीक है चलो, एक काम तो हो गया। अच्छा अभी ना एक थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसके ना बाकी सारे स्टेप्स इंक्लूड कर दूंगा। तो यहां पे लिखना अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्ट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो यहां पे लिखना प्रोडक्ट्स, एक लाइन छोड़ना ए एंड बी, साहिल वो करेक्ट है शायद। अच्छा सुनो, प्रोडक्ट्स ए एंड बी, उसके बाद अपने को ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो एक सेकंड, यहां पे लिखना जॉइंट कॉस्ट, आगे नेक्स्ट लाइन पे जो ब्लैंक है वेरिएबल वाला पार्ट, वो तुम लोग के पास ऊपर है 2000 2400। इसके अंदर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ऐड करो। मेरे को बोलो तुम लोगों ने ये दो लाइन तीन लाइन का क्वेश्चन पढ़ा बेटा, इसके अंदर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना है बेटा? जीरो। यहां पे प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसेस कर ही नहीं रहे, सो देयरफॉर दिस विल गिव यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2000 2400। फिर इसको अपने को सेल्स वैल्यू के अंदर से सब्ट्रैक्ट करने का है, तो यहां पे सेल्स वैल्यू अभी और छोटा छोटा मेरे को वो लिखना पड़ेगा, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 बोले तो 6000, फिर 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 3600। तुम लोग और छोटा छोटा भी लिखो, मैं कितना भी छोटा कर सकता हूं। सुनो, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल सेल्स वैल्यू विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन। बस एक लास्ट कॉलम यहां पर आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपोर्शन, बस। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर 4000 आ जाएगा, ये वाला फिगर 1200 5200।
तुम्हारा जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट था वो 3900 था बेटा, थर्टी नाइन हंड्रेड को इस रेशियो के ने डिवाइड कर लो इन द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, चलो दिस इज ऑल्सो डन। बस अभी अपने को ना इसको, दिस इज वेरिएबल वाला पार्ट, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट, बस आप इसको ऐड कर दो, योर जॉब इज ओवर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स चार कॉलम आएंगे, जॉइंट कॉस्ट वेरिएबल, जॉइंट कॉस्ट फिक्स्ड, टोटल ए बी 2000, 2400, 3900, 5000, 3300। 8300 का ब्रेकअप चाहिए था, अपने को मिल गया। यहां पे लिख के रखना एक बार, रेफर नोट्स ऑफ दिस मेथड इन द थियरी सेक्शन। पेज नंबर मैं बता देता हूं अगर किसी को चाहिए तो, एक सेकंड, इसको अंडू करना पड़ेगा मेरे को पेज नंबर के लिए। एक सेकेंड, हा व्यू हेडर फुटर, हाँ तो एक मिनट, पेज नंबर 11.4 बेटा, किसी को अगर पेज नंबर वो डालने का है तो पेज 11.4। चलिए सुने, योर दिस वर्क इज ऑल टुगेदर डन। तुम्हारा जो ये वाला काम था वो सारा का सारा जो काम था वो हो गया, ठीक है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर कि आगे क्वेश्चंस के अंदर क्या है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 18 इज डन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन बहुत छोटा सा पार्ट है, बाकी यहां पर कुछ और पूछा हुआ है, ठीक है। पढ़िए जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर 19। इन अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन केमिकल प्रोसेसिंग, 4000 केजीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉ मटीरियल RX आर यूज्ड फॉर ईच प्रोडक्शन बैच। चलो ठीक है, फोर जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, ओके। एस्टिमेटेड आउटपुट एंड सेल प्राइस फॉर सच जॉइंट प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज, PQYNZ। प्रोडक्ट PQYNZ आउटपुट पर 4000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल, 300, 1200, 600, 1800। सेल प्राइस पर कीजिए 50, 40, 60 एंड 25। चलो ठीक है, तो यहां पर क्या है, 4000 किलो ऑफ कोई एक रॉ मटेरियल है, उसका नाम है RX, उससे हम लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, चार प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। एस्टिमेटेड आउटपुट एंड सेल प्राइस फॉर सच प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोस, प्रोडक्ट्स PQYZ, अभी टाइटल पढ़ना, आउटपुट पर 4000 केजीज ऑफ RX,
उसके नीचे जो चार नंबर है ना, जरा उसका टोटल मारो, आउटपुट कितना कितना निकलता है, 300, 1200, 600, 1800, 3900। याद होएगा पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के अंदर 4+3+2+1 क्या था, वो मैच हुआ था, लेकिन तब अपना बात भी हुआ था कि वो मैच नहीं होना चाहिए था। ओके, वो मैच हो गया मतलब लॉस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 100 किलो का लॉस है ना बेटा, क्योंकि 4000 अंदर डाल रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है वो 3900 आ रहा है। आगे सेल प्राइस 50, 40, 60, 25। ओके, दी एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग कॉस्ट पर बैच आर, चलो तुम्हारा मेमोरी बहुत अच्छा है, ऐसा मेरे को एक बार एक बच्चे ने बोला था, प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब विच कॉस्ट, पिछली बार लिखा भी था कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट बोले तो विच कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो तीसरी बार लिख के रखो, दो बार पहले वो लिख चुके हैं कभी ना कभी, वैसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर भी लिखा था, पिछले लेक्चर के अंदर भी लिखा था। द एस्टिमेटेड कॉस्ट पर प्रोडक्शन बैच आर 20,800, चलो ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ सेल्स, मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ सेल्स। अभी ये जरा देखो, ये लाइन तुमको खुद ब खुद पढ़ो, देन आई टेल यू। अनअकाउंटेड रॉ मटेरियल इज ट्रीटेड एज इनविजिबल वेस्ट, अनअकाउंटेड रॉ मटेरियल इज ट्रीटेड एज क्या लिखा है बेटा, इनविजिबल वेस्ट। मेरे को बोलो दिस लाइन मस्ट बी पर्टेनिंग टू व्हाट डेटा, वो जो 100 किलो अपना लूज हुआ है ना उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है बेटा, जीरो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट परचेज प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल विद अ व्यू टू अचीव द अबव रिजल्ट। वो लोग क्या बोलते हैं, ये जो आर एक्स अपना रॉ मटेरियल है ना, किस रेट के ऊपर खरीदा जाए ताकि जो सम के अंदर बोला है वो वाले आंसर्स आ जाए। पार्ट टू मेरे को अभी नहीं पढ़ने का है, मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूं, ठीक है। सुनो, तुम लोग को मैं एक मिनट दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से पढ़ो, मैं एक मिनट दे रहा हूं, पढ़ो, कुछ सोचो मत, बस पढ़ो एक बार, ताकि ऑल नो द डेटा व्हेन आई स्टार्ट टू बी स्पीकिंग। चलो सुनो, मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना तुमको क्या लगता है, आर प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड फर्दर एंड देन सोल्ड, और आर दे सोल्ड लाइक दैट ओनली, सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां पे किधर भी ना फर्दर प्रोसेसिंग ना वर्ड आया, ना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आया, तो जैसे ही प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बिक जाते हैं। ठीक, सोचना मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ना क्या तुम लोग मेरे को ज्वाइंट कॉस्ट निकाल के दे सकते हो, सोचना अपने को। ये पूरा चैप्टर जॉइंट कॉस्ट के बारे में है, क्या तुम लोग मेरे को जॉइंट कॉस्ट, मेरे को बोलो जॉइंट कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मेरे को बोलो जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट, एक मिनट, जॉइंट कॉस्ट के अंदर सर दीज आर ऑल द कॉस्टल स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अगर मैं तुम लोग को बोलूं जॉइंट कॉस्ट आर ऑल द कॉस्टल स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अपना फर्स्ट लेक्चर याद करो, ये वाला चैप्टर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स, या तो वो याद होगा। मेरे को बोलो जॉइंट कॉस्ट के ना कौन कौन सा कॉस्ट आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, आगे बोलो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, आगे बोल लेस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और ये दोनों को आप उन लोग कौन सा कॉस्ट बोल देते हैं बेटा, प्रोसेसिंग कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, बात तो वही है, ठीक है। इस सम के अंदर जॉइंट कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट के अंदर से यही वाला चीज आपको मिसिंग फिगर के तौर पे निकालना है, तुमको समझा जो मैंने बोला, ठीक है। तो तुमको यही वाला कॉस्ट है कि भाई रॉ मटेरियल किस रेट के ऊपर खरीदे, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मेरे को ना रिवर्स जाके रॉ मटेरियल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर के तौर पर चाहिए, ठीक है। तो मैं तुमको कई चीजें दे रहा हूं, तुम लोग अभी नहीं लिखना, ठीक है, तुम लोग लिखना नहीं, वेर आई टेल यू दैट टाइम यू ऑल स्टार्ट टू बी राइटिंग। सेल्स यहां पे चार प्रोडक्ट्स का है, पी क्यू वाई एंड जेड। जो पी है दैट इज 300 केजीज
एट द रेट ऑफ रुपीज 50, ये आ जाएगा 15,000। वैसे क्यू वाई और जेड, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट तुम लोग देखते रहना क्योंकि बाद में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, ठीक है। मैं ना रिवर्स जा रहा हूं, रिवर्स क्यों जा रहा हूं, क्योंकि अगर सोचोगे मेरे पास इस सम के ना बहुत सारा डेटा तो है लेकिन मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट ही तो नहीं है, वही तो ढूंढने का है अपने को। तो इसके अंदर से, सेल्स के अंदर से ऑब्वियसली हम लोग क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट। मैनेजमेंट्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ सेल्स, सो देयरफॉर लेस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स। तो जितना भी तुम्हारा ये वाला फिगर होगा उसका 10% विल बी दिस पर्टिकुलर फिगर, सो सेल्स माइनस प्रॉफिट विल काइंड ऑफ गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। इसके अंदर से देखो यहां पे एक और चीज भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर 20% ऑफ सेल्स, सो लेस। आई थिंक ये वाले एडमिन जनरल एडमिन ही होंगे, मेरे को बोलो मेरे को कैसे पता चला, एस एन डी के साथ दिए हुए, यू ऑल नो दोस पर्टिकुलर थिंग्स, सो एन एस एन डी कॉस्ट इट इज 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारा सेल्स है उसका 20% इधर आ जाएगा, ठीक। एक बार ये वाला काम कर लोगे, सो सी ओ एस माइनस दिस पर्टिकुलर थिंग, तुम लोग उसको वो सी ओ जी एस बोल लो, तुम लोग उसको सी ओ पी बोल लो, तुम लोग उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो, ठीक है। तो इन एनी केस ऑल दोज नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम ओनली, ठीक है। अभी इसके बाद जरा ध्यान से सुनना मेरे को, बोलो आजकल हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट शीट का एक नॉर्मल फॉर्मेट हमारा कैसा होता है इस चैप्टर के अंदर, मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक बोलो, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन, आगे बोल, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का एक हिस्सा विल बी नथिंग बट पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के ना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जीरो है, ठीक है। तो ये तेरे को क्या दे देगा, दिस विल स्टार्ट टू गिव यू ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट बोले तो ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट बोले तो ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है। जब ये वाली कॉस्ट यहां पर आ जाती है ना, तो अब मैं सोचता हूं ज्वाइंट कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस, ठीक है। ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है तुम लोग को इस कॉस्टशीट से यहां से मिल जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल तो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा एक्स, अभी जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले तो कौन सा कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट बेटा, वो कितने रुपीज का है, 20,800। और अभी सब लोग मेरे को बोलना स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस इस क्वेश्चन के ना कितना है, जीरो। द मोमेंट यू आर गोइंग टू बी डूइंग दिस तुम लोग को एक्स का फिगर मिल जाएगा, बस जैसे ही एक्स का फिगर मिला तो याद रखना अपने को इतना मटीरियल खरीदना है। अब मैं रिक्वायर्ड पार्ट पे आता हूं, द परचेज प्राइस, आगे जरा पढ़ आगे पढ़ो, द परचेज प्राइस पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज माय टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट बट आई वांट परचेज कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये वाला फिगर जितना भी होएगा, ये वाला फिगर वो जितना भी होएगा, आई विल पुट दैट पर्टिकुलर नंबर ओवर हियर, ओके, डिवाइडेड बाय, मेरे को जरा बोलो मेरे को उतना रॉ मटेरियल कॉस्ट खरीदने का है, डिवाइडेड बाय, मेरे को बोलो रॉ मटेरियल कितना खरीदोगे, 4,000, प्लीज 3,900 से डिवाइड नहीं करना, वो तो आउटपुट है, अभी तुम लोग रॉ मटेरियल खरीदने का बात करते हैं बेटा, तो इतना खर्चा होगा 4,000 किलो खरीदने के लिए, दिस विल बी योर आंसर एज सच, ठीक है। तुम लोग टाइटल दो और आराम से खत्म करो, और जब आंसर आ जाए मेरे को मैसेज तुम लोग कर देना, श्रीधर वो गलत है, आराम से करना, यू विल गिव द टाइटल, वो लिखो जरा प्लीज, पार्ट वन कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सर 19 क्वेश्चन है ना ये, हाँ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, चाहो तो ये वाली चीज कॉपी कर लो, मैं एक मिनट के बाद आई टर्न टू द क्वेश्चन। विदुषी करेक्ट है,
प्रथम गलत है बेटा, वो क्रिश करेक्ट है। महक गलत है बेटा, वो चिराग करेक्ट है, आगोश करेक्ट है। कैन आई शिफ्ट टू द क्वेश्चन? यस सर। प्रथम अभी करेक्ट है, उज्ज्वल करेक्ट है, मानसी करेक्ट है। किसी का गलत होएगा सो आई विल बी सेइंग, क्योंकि आई थिंक सब लोगों का करेक्ट ही आएगा। रिया गलत है बेटा, रिया जॉइंट कॉस्ट के बाद आपको ये वाला इक्वेशन बनाकर आंसर निकालना है। तन में कर, वो गलत है। अच्छा आई एम राइटिंग नाउ 48,000 36,045 ये 1,44,000 था। 14,428,800 ठीक है। दिस इज 100,800 नो 100,800 दिस इज 129,600 ठीक है। सो देयरफॉर 100,800 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो एक्स इज इक्वल टू 80,000 एंड 80,000 इज द मटेरियल कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू बी इनकरिंग फॉर 4,000 kg, so 20 per kg will be your answer. चलिए, I believe सब लोग का ये वाला जो काम है वो हो गया है, ठीक है। आगे the unit cost of sales, unit cost of sales मतलब cost of sales per unit ऑफ पी क्यू वाई जेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स वैल्यू, ठीक है। क्या करो, यही वाली चीज को हेडिंग के तौर पे लिखो जरा, प्लीज लिखो कैलकुलेशन ऑफ एंड जस्ट कॉपी दिस, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ पी क्यू वाई जेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ पी क्यू वाई जेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स वैल्यू। चलो तो अभी बस एक मिनट के लिए वेट करो, फिर अपना कैलकुलेशंस जो है खत्म कर लेना। प्रोडक्ट्स पी क्यू वाई एंड जेड, सेल्स, सेल्स तुम लोगों ने लिखा था, आप उसको सेल्स वाले ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हो, वैसे भी यहां पे कोई स्टॉक्स नहीं है। 15,000, 48,000, 36,000, 40 कितना था लास्ट वाला 45, तो दिस इज 1,44,000। आपको करना क्या है देखो जरा, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स यू हैव टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ, लिखा हुआ है सेल्स वैल्यू। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो मेरे पास यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स था बेटा कितने का 129,600। उन लोगों ने क्या बोला था 129,600 को सेल्स वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर देना, तो इसलिए मैंने यहां पे सेकंड कॉलम सेल्स का बनाया। 129,600 को इस रेशियो के ने डिवाइड कर दूंगा। एक बार ये वाला काम मैंने कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बस तो दीज फिगर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स,
दिस विल स्टार्ट टू गिव मी कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट. मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट क्यों चाहिए था, क्योंकि सम ने बोला था फाइंड आउट यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट. तो एक बार टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का बाइफर्केशन आ गया, यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. आप लोग खत्म कर लो, मैं यूनिट्स लिख देता हूं 300, 1200, 600, 1800. क्या बेटा? बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स तेरी कॉस्ट शीट से आया, उन लोगों ने बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट निकालो एंड डिवाइड द थिंग्स इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू. तो इसलिए पहले सेल्स वैल्यू लिखा, 129,600 को सेल्स की रेशियो के ने डिवाइड करने का, क्योंकि सामने बोला हुआ है. तो यहाँ पे चार हिस्सा आ जाएगा और एंड में देखो यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए. यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट. तो आप इन फिगर्स को, ये तो टोटल फिगर्स है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो तुमको ये वाले नंबर्स मिल जाएंगे. एवरीबडी इज करेक्ट ऑन जो भी तुम लोग लिख रहे हो. पहला वाला आंसर 45 आता है, वो करेक्ट है, तो बाकी सब करेक्ट ही होंगे. 36, 54, 22. चलो सुन, ये वाला काम तुम्हारा हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज डन. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन अपना वो बाकी है. क्वेश्चन नंबर 19 अपना वो हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 इज डन फॉर होमवर्क. उसके लिए यू ऑल कैन लीव थ्री साइड्स. आई थिंक वहां पे दो साइड के अंदर काम वो हो जाएगा. सो टू साइड्स यू ऑल कैन लीव. 21st क्वेश्चन पे आ जाओ. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये अपना लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, किसी ने अगर मेरे को करेक्ट आंसर दिया ना इसका, लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखना, उतना ऑनेस्टी रखो तुम लोग. ठीक है, जिसने फर्स्ट उसका करेक्ट आंसर दिया ना, फर्स्ट आंसर करेक्ट. ठीक है, तो उन लोगों को चलो उनके सेंटर के ऊपर, अगर वो लोग बॉम्बे के अंदर वो नहीं है, तो एक सिल्क भेजेगा बड़ा वाला. ठीक है, अगर वो मुंबई के अंदर हो तो मुंबई के अंदर जब भी वो मिलेंगे, सो आई गिव इट टू यू एट दैट टाइम. तुम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को जॉइंट कॉस्ट का बाइफर्केशन निकाल के दो इस क्वेश्चन के अंदर. आराम से पढ़ो. रिमेंबर वॉट एवर वी ऑल हैव डन टिल नाउ, ज्वाइंट कॉस्ट के अपोर्शनमेंट के लिए विच ऑल मेथड्स आर देयर. ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास 7 मिनट्स हैं और मेरे को प्राइवेट मैसेज के तौर पे तो वो भेजना कि व्हाट विल बी द ब्रेकअप ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट. आराम से. आयुष गलत है.
गलत है। अगर कोई मेरे को बोलता है वो वाला चीज जो तुम लोग बोल रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों ने वो वाला चीज बोला, आई एम नॉट सेइंग इज रॉन्ग, देन यू टेल मी व्हाट विल बी जॉइंट कॉस्ट। फिर उसका बाइफर्केशन मत बताओ, लेकिन ये तो बता दो कि जॉइंट कॉस्ट कितना होगा। फिर कुणाल, फिर आपको मेरे को जॉइंट कॉस्ट बताना पड़ेगा। हिमांशु, गलत है। आराम से सोचना, अच्छा चीज है ये। आगोश, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु गॉट इट करेक्ट। तने, सेकंड पर्सन। सृष्टि, गलत है बेटा। कृषा, गलत है। प्रथम, गलत आंसर है। नेहा, गलत आंसर है। कुणाल, गलत आंसर है। हर्षी, गलत आंसर है। प्रथम, गलत आंसर है। कृषा, गलत आंसर है। नेहा, गलत है। मानसी, लेकिन आपको मेरे को फिर ये बताना है कि जॉइंट कॉस्ट कितना है। सोचो जो मैंने पूछा, जो आपने लिखा करेक्ट है, फिर आप मेरे को बताओ जॉइंट कॉस्ट कितना है। कृतिका, गलत है। बराबर है दर्शना, बट देन टेल मी व्हाट विल बी जॉइंट कॉस्ट। माय क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट विल बी द जॉइंट कॉस्ट। चलो, अभी बिफोर आई विल आस्क दिस, ठीक है नाउ, व्हेन मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज तुम लोगों को पूछता हूं। आराम से सोचना, ठीक है, आराम से सोचना, आराम से सोचना। अभी कोई आंसर्स मत दो, ठीक है, चॉकलेट का टाइम इज ओवर। लिसन, सपोज कोई एक मंथ का तुमको प्रोसेस अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो इसको हम लोग जॉइंट प्रोसेस अकाउंट बोल देते हैं, जॉइंट प्रोसेस अकाउंट, ठीक है, इसको जॉइंट प्रोसेस अकाउंट बोल देते हैं। क्या हुआ, मटेरियल का खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, ठीक है, इन ऑल 1 लाख रुपीज, ठीक है। अभी जब ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, तीन प्रोडक्ट्स बने, जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी, और एक यहां पे बाय प्रोडक्ट सी, ठीक है, बाय प्रोडक्ट सी। मैं तुमको खुद ब खुद बोल रहा हूं, अभी खुद ब खुद ही बोल रहा हूं कि ना सी को हम लोग स्क्रैप मानते हैं, ठीक है। मैं तुमको खुद ब खुद ही बोल रहा हूं मेरे इस एग्जांपल के ना, आई डोंट नो अबाउट द एग्जांपल दैट यू ऑल हैव ट्राइड टू बी सॉल्विंग, लेकिन मेरे इस एग्जांपल के अंदर हम लोग सी को स्क्रैप मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ए का आउटपुट 1000 यूनिट आया, बी का आउटपुट 2000 यूनिट आया, ठीक है, सी का आउटपुट 3000 यूनिट आया, ओके 3000 यूनिट आया, बेचने के लिए जाता तो 50 पैसे मेरे को मिल जाता, ठीक है, आई एम ट्रीटिंग बाय प्रोडक्ट एज स्क्रैप, तो मेरे को 50 पैसे मिल जाता पर यूनिट, ठीक है। मैंने बेचने का ट्राई किया, इस साल के अंदर 2500 यूनिट बिक गया एट द रेट ऑफ 50 पैसे, बाकी 500 यूनिट भी बिक जाएगा, माइट बी इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है।
सब लोग एक प्लीज बार मेरे को कंफर्म कर दो, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अभी मेरा तुम लोगों को जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के ना क्या डिस्कस किया, इफ यू विल ट्रीट बाय प्रोडक्ट एज अ स्क्रैप देन इट्स स्क्रैप वैल्यू शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू नेट जॉइंट कॉस्ट। हम लोगों ने वही चीज सीखा यार। तो मेरे को अभी जो डाउट है ना वो वाला डाउट कुछ ऐसे है, ध्यान से सुनना, वो वाला डाउट क्या है, मैं इसी चीज को ना एक बार और कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को दो ऑप्शन देने हैं। पहला ऑप्शन तुमको ब्लू कलर के अंदर मैं दे रहा हूं अभी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ना मैं मेरे जॉइंट प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर कितना लिखूं, क्या मैं 1500 लिखूं के मैं 1400 लिखूं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तुमको, अभी आंसर मत देना, व्हेन आई विल आस्क यू दैट टाइम यू विल ट्राई टू बी रिप्लाइंग, ठीक है। अगर कोई बोलता है सर 1500 लिखो सर, ठीक है, अगर कोई बोलता है कि 1500, एक मिनट मेरे को बोलो 1500 और 1400, व्हाट इज 1500 एंड व्हाट इज 1400? देखो मैं तुमको दो वर्ड्स बोलता हूं, आई थिंक दैट विल कन्वे द थिंग्स। 1500 इज द वैल्यू दैट आई विल गेट बाय सेलिंग एंटायर आउटपुट, बट व्हाट इज 1400? तो 1400 इज द कैश रिसीव्ड इन दिस पीरियड, बाकी 500 यूनिट के लिए भी एट द रेट ऑफ 0.5। एक से मैंने यहां पे कुछ नंबर्स गलत लिखे ना शायद, ये 1250 आएगा ना, हाँ 1250, ओके सॉरी, बाकी 500 यूनिट बेच के भी मेरे को 0.5 मिल जाएगा, माइट बी इन द नेक्स्ट पीरियड। जरूरी नहीं है जब स्क्रैप निकले आप सारा का सारा इसी पीरियड के अंदर बेचो, तो ये मत सोना बाकी 500 के साथ क्या हुआ, बाकी नेक्स्ट पीरियड के अंदर बिक जाएगा। तो अभी ना माय प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस इज वन कि मैं क्रेडिट क्या करूं, तुम लोग क्या बोलते हो, एंड देन आई विल कंटिन्यू फर्दर, आई विल गिव यू द टू ऑप्शन। तुम लोग पहले क्या बोलते हो, इस अकाउंट को क्रेडिट कितने का मिलना चाहिए? दोनों तो नहीं हो सकते बेटा, 1500 का के 1250। देखो वन इज माय स्क्रैप वैल्यू, वन इज एक्चुअल स्क्रैप रिसीव। अगर कोई ऐसा बोलता है सर 1500, सर क्या मजाक करता है, तो 1500 ही आएगा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो फिर तुम्हारा इसके बाद अकाउंटिंग कैसे चलेगा? सपोज ये वाला जो डेटा था जैन मंथ का था, ठीक है, तो मैं जैन मंथ का एक और अकाउंट भी खोलूंगा, लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज बाय प्रोडक्ट सी अकाउंट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट सी अकाउंट, ठीक है। तो मैं 1500 रुपया टू जॉइंट प्रोसेस, यहां पे 1500 रुपया जो है वो लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रद्दी वाले को बुलाएगा और मैं उसको बेचेगा बाय कैश बैंक, कैश बैंक 2500 यूनिट इंटू 0.5, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा बेटा 1250, और बाकी जो 250 रुपया है वो आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर लो बाय बैलेंस कैरी डाउन 250। तुमको समझ में आएगा फेब के अंदर जब ये बाकी 500 यूनिट बेच दोगे, ओके, तो दिस अकाउंट विल गेट नलिफाइड। ये समझा तुम लोगों को? ठीक है, ये ब्लू एक ऑप्शन है, ये ब्लू एक ऑप्शन है, को बोलते सर गलत ऑप्शन है ये, ठीक है, तो ठीक है। सो देन आई ट्राई टू गिव यू द अदर ऑप्शन, ये ब्लैक वाला ऑप्शन, ठीक है, बोलते हैं सर आपको क्रेडिट तो यही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा करने का है तो ये वाला अकाउंट कौन से मंथ का था, जैन का, ठीक है, तो जैन के ना 2500 यूनिट बिका एट द रेट ऑफ 0.5, तो आप लोग 2500 इंटू 0.5 यहां पर क्रेडिट कितने रुपीज का कर दिया बेटा 1250, ठीक है। अभी क्या होगा, बाकी जो 500 यूनिट है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर बिक जाएगा, नेक्स्ट मंथ बोले तो कौन सा मंथ यार, फेब मंथ, ओके, तो फेब मंथ के अंदर मैं यहां पे जॉइंट प्रोसेस अकाउंट खोल रहा हूं, ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ का कौन सा अकाउंट है, जॉइंट प्रोसेस अकाउंट। अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो सर इन दिस केस नो वी शुड क्रेडिट एक्चुअल स्क्रैप रिसीव्ड, ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो वी शुड क्रेडिट एक्चुअल स्क्रैप रिसीव्ड, तो जितना एक्चुअल स्क्रैप इस मंथ के अंदर मिला इस मंथ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बाकी जो है नेक्स्ट मंथ मिलेगा, तो मैं यहां पे नेक्स्ट मंथ का जब ये अकाउंट बनाऊंगा ना, ओके, मैं वहां पे लिख दूंगा 500 इंटू 0.5 कितने रुपीज का बेटा 250, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये ब्लू वाला ऑप्शन है, तुमको दोनों ऑप्शन वो समझ में आ गए, जो दूसरा ऑप्शन है ये ब्लैक वाला ऑप्शन है। अभी आउट ऑफ दीज टू
यू हैव टू टेल मी एनी वन. कोई बोलता है सर मेरे दिमाग में तो एक थर्ड थॉट था, तो तू पागल है फिर. ठीक है, ये दोनों में से एक ही आंसर होना चाहिए. मेरे को बोलो दोनों कहने से विच वन डिड यू लाइक, व्हाट डू यू थिंक इज अ करेक्ट ट्रीटमेंट, ब्लू के ब्लैक? आई थिंक ब्लू. मेरे को ब्लैक प्रूफ करना कि लाइक यू नो इट इज अ यूजलेस थिंग, इट्स वेरी इजी. अगर ऐसा करोगे ना, देखो एक लाइन के अंदर खत्म करता हूं और वो लाइन तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ध्यान से ये वाला नहीं सुनना. अगर ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, फेब का जॉइंट कॉस्ट विल गेट द क्रेडिट फॉर द स्क्रैप दैट वॉज जनरेटेड बाय जैन मंथ की जॉइंट कॉस्ट. यस सर. तुमको ये चीज समझ में आ गया? नहीं सर. क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्वियसली ये जो भी फिगर होएगा ये इसके अंदर से लेस होएगा ना. इफ इट इज ट्रीटेड एज स्क्रैप, मेरे को जरा बोलो, व्हेनेवर अ बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज स्क्रैप, तो उसका मतलब क्या होता है, जितना भी अपने को स्क्रैप मिलता है वो वाला फिगर यहां से लेस हो जाता है ना, और जो भी नेट फिगर होता है दैट गेट्स अपोर्शनड अमंग ए एंड बी. तुमको उतना तो याद है? तो अगर मैंने यहां से 1250 रुपीस लेस किया, ठीक है, तो ये वाला फिगर जो है ये कितना आ जाएगा, 98,750. ओके, एंड दैट विल गेट डिवाइडेड अमंग ए एंड बी, करेक्ट? नो. तो फिर क्या होएगा, जरा सोचो फेब मंथ के अंदर क्या होएगा, जो फेब मंथ की जॉइंट कॉस्ट है हम लोग उसके अंदर से ये 250 रुपया भी तो लेस करेगा ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा. वो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिस 250 वॉज नॉट जनरेटेड बिकॉज ऑफ फेब का ज्वाइंट कॉस्ट, इट वॉज जनरेटेड बिकॉज ऑफ जैन का ज्वाइंट कॉस्ट. तुमको समझा? ठीक है, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ये गलत हो जाएगा. ऐसा करेगा ना तो जैन मंथ की कॉस्ट की वजह से जो आउटपुट निकला उसका क्रेडिट विल बी टेकन बाय फेब की जॉइंट कॉस्ट. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो देयरफॉर कैसा होना चाहिए, ये वाला चीज होना चाहिए. मतलब यू ऑलवेज क्रेडिट, देखो एक लाइन बोलता हूं, यू ऑलवेज क्रेडिट स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट टू द जॉइंट कॉस्ट. इज दिस लाइन अंडरस्टूड? यू डू नॉट क्रेडिट एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू, यू ऑलवेज डिडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. बोलो 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 बोलो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द जॉइंट कॉस्ट. बस इस क्वेश्चन के अंदर वो ही एक पॉइंट था, अगर वो अच्छे तरीके से करते तो शायद कोई दिक्कत नहीं होता. देखो अब मैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बट आई एम कंटिन्यूइंग नाउ. प्रोसेस H23 इज प्रोड्यूस अ मेन प्रोडक्ट M एंड अ बाय प्रोडक्ट बी. बी इज प्रोसेस्ड फर्दर बिफोर इट कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग ऑगस्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द प्रोसेस. जॉइंट प्रोसेस 12,150, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट S&D. Particulars, product M, product B. Production in units 12,000. Sales 10,000. Selling price 1.5. ठीक है, तो M is your main product, B is by product. अच्छा, B का 1,000 यूनिट बना लेकिन बिका कितना, 900. Selling price 0.9. Further processing per unit 0.5. तुमको शायद एक लाइन याद होगा, जस्ट बिकॉज अ by product is treated further, आगे कोई बोलेगा इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट. मैंने वो रद्दी वाला एक एग्जाम्पल दिया था न्यूज पेपर पढ़ के, मैं उसका बॉल वगैरह वो बना देता हूं. आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड. अभी तक ना पूरे क्वेश्चन के अंदर एक भी हिंट नहीं था कि बाय प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करने का, और वो वाला हिंट जो है वो इधर है कि उसको कैसे, अज्यूमिंग दैट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो, इज पढ़ो शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट. अगर मैं बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू मेरी कॉस्ट के अंदर से लेस कर रहा हूं, मतलब आई एम ट्रीटिंग बाय प्रोडक्ट एज, बोलो बोलो बोलो, स्क्रैप. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अब ऐसे, ओके, वेयर बाय प्रोडक्ट इज बीइंग ट्रीटेड एज स्क्रैप एज सच. ओके, और हम लोग वही वाला चीज करने जा रहे हैं, दैट्स इट. ओके, यहां पर मैंने शॉर्ट्स के अंदर देखो जरा क्या लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर टू, इफ सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट, इट मीन्स दैट बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज स्क्रैप. ये एक लाइन इज अ मास्टर लाइन ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन, और जो मैं तुमको एग्जाम्पल दिया वो इसके ऊपर था. We always credit scrap value of loss and not actual scrap received. This is because credit of entire scrap should go to the cost of that particular period. ठीक है, बस सुनो, my work is altogether done. तो अब मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर, सोच के बोलना,
हम लोग जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे, मेरे को कॉस्ट शीट तो बनाना पड़ेगा। कोई बोलते सर कॉस्ट शीट क्यों बनाना पड़ेगा, मेरे को बोलो कॉस्ट शीट क्यों बनाना पड़ेगा, मेरे को प्रॉफिट पूछा है तो मैं कॉस्ट शीट ही बनाएगा। मेरे को बोलो कॉस्ट शीट के ना पर्टिकुलर्स के अलावा, पर्टिकुलर्स के अलावा कितने कॉलम्स और बनेंगे, बोलो। एक ही बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट एम। ये जो बी है ना वो तो प्रोडक्ट ही नहीं है बेटा, वो तो स्क्रैप है। तो अभी तुमको शायद एक चीज समझ में आ गया रहेगा जो बहुत लोगों ने मेरे को लिखा है, दैट वाज एक्सीलेंट इनफैक्ट। ओके, यहां पर ना जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन ही नहीं होगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर तो मेरे को लगता है क्राइम है इस कॉस्ट को जॉइंट कॉस्ट बोलना। मेरे को बोलो क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ही एक है बेटा। जॉइंट कॉस्ट वर्ड तब यूज करने का व्हेन देयर इज मोर देन वन प्रोडक्ट। अभी तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है बिकॉज बी इज नॉट अ प्रोडक्ट बिकॉज इट इज अ स्क्रैप। ओके, तो यहां पे एक ही कॉस्ट शीट बनने वाली है। इनफैक्ट वो कॉस्ट शीट विल बी ऑफ विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बस उतना बोल दो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। इट विल बी ओनली ऑफ एम एज सच। ठीक है, तो पहले मेरे को जरा बोलो उस कॉस्ट शीट के अंदर एम का ही डेटा आएगा, तो एम का स्टॉक्स है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? एम का है ना, 2000 यूनिट का स्क्रैप है ना, सॉरी 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर वो वाला चीज हो जाएगा। तुम लोग नोटबुक्स के अंदर थोड़ी सी चीजें लिखना, ऑल्दो वो शॉर्ट्स के अंदर भी है, बट देन यू ऑल राइट। ओके, लिखो जरा प्लीज, लिखो स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आगे नेक्स्ट टाइम पे जरा ब्रैकेट में लिखना द कॉस्ट शीट मेड बिलो, द कॉस्ट शीट मेड बिलो इज ओनली ऑफ प्रोडक्ट एम। एज B is treated as scrap. चलो अभी नेक्स्ट साइन पे लेट्स स्टार्ट अवे विद द कॉस्ट शीट। बस कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले जो तुम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर करते थे ना वो वाला चीज कर देना। यहां पे लिखना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज एम, इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज एम, इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। The cost sheet made below is only of product M as B is treated as scrap. ठीक है, और उसके बाद ये वाला चीज। अच्छा, तो cost sheet ही स्टार्ट कर रहे हैं, एक particulars का कॉलम और एक टोटल का कॉलम। पर यूनिट का कॉलम तो हम लोगों ने इस चैप्टर के लिए बनाना ही छोड़ दिया है। अच्छा, एक दो सरप्राइजेस वो बाकी हैं इस क्वेश्चन के ना, वो देख लेते हैं। चल सुनो, जॉइंट कॉस्ट 12,150, लेकिन दिस इज नॉट योर फाइनल जॉइंट कॉस्ट बेटा, क्योंकि इसके अंदर से अपने को क्या लेस करने का है। देखो मैं ना आई ट्राई टू यूज द सेम वर्ड्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट। तो मैं वही वाले वर्ड्स यूज करता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट बोले तो बी। चलो, जिन दो लोगों का पहले करेक्ट आंसर था वो लोग मत बोलना, ठीक है,
मेरे को यहां पर एक नंबर बताना, यहां पर मेरे को एक नंबर बताना, मैं यहां पे कितना रुपीस लिखूं। श्रीधर गलत, नेहा गलत, प्रथम गलत, ध्रुव गलत, रोहन करेक्ट, श्रीधर करेक्ट, बाकी सब लोग गलत है। अभी तक जो करेक्ट है अभी मैं उन्हीं लोगों का नाम गिनता हूं, सब गलत एक्सेप्ट दोस पीपल हुम आई टोल्ड, सब गलत। अच्छा चलो मत बताओ, मत बताओ, ठीक है आगोश करेक्ट। सुन क्या करते हैं, अपना एक रेगुलर फॉर्मेट बनाते हैं, शायद तुम लोगों को स्ट्राइक हो जाएगा इस नेक्स्ट लाइन के बाद। तुम्हारा कॉस्ट शीट कैसे चलता है? सर कॉस्ट शीट सबसे पहले आता है जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन, अभी अपोर्शन वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके अभिषेक करेक्ट है वो, सुनो अभी वो वाला वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को बोलो तुम्हारी कॉस्ट शीट के ना जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन के बाद क्या लाइन आती है? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो यहां पे लिखो जरा प्लीज एड, एक काम करो ना, सॉरी हाँ ठीक है चलो इट्स ओके, लिखो एड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। कुणाल, अभिषेक, साक्षी, श्रीधर अब करेक्ट है। सुन मेरे को अभी सब लोग बोलना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना लिखूं, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना लिखूं? नील। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉस्ट शीट किसका बनता है? एम का। क्या एम आगे प्रोसेस हो रहा है? नहीं हो रहा सर, तो यहां पे नील आ जाएगा, तो यहां पे आप लोग नील लिखो। अभी तुम लोग क्या करना, दैट विल मेक योर प्रेजेंटेशन तो स्लाइटली बेटर। ये जो 12,150 लिखा था ना इनर कॉलम के अंदर, तो वो लिखो ना जरा, ठीक है। सुनो अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इनर कॉलम के अंदर क्यों लिखवाया। मेरे को जरा बोलो बाय प्रोडक्ट सी विल बी सोल्ड एट व्हाट रेट, मेरे को एक नंबर बताओ। 0.2। अभी तुमको समझ में आएगा, एक तो वैसे भी यहां पे वर्ड्स लिखा हुआ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऑनेस्टली मैं एग्जामिनर होता आई वुड नॉट हैव रिटन दैट आल्सो, क्योंकि ये कॉमन सेंस है बेटा। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट किधर ना किधर तो लिखना पड़ेगा, यहां पर तो लिख नहीं सकते बिकॉज दैट इज नॉट द पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट ऑफ एम, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा सोचो यार मैं स्क्रैप को बेचेगा 0.2 मिलेगा, लेकिन 0.2 कमाने के लिए आगे एक लाइन बोलो ना 0.05 का तो अपना खर्चा है, तो अपने को जो नेट अमाउंट मिलेगा, यहां पे भी तो वही लिखा हुआ था, अपने को जो नेट अमाउंट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर केस दैट विल बी 0.15। ओके सो देयरफॉर 0.2 माइनस 0.05, और जो मैंने तुमको ये वाला एग्जाम्पल दिया था, ये वाला सारा का सारा एग्जाम्पल, उसके बेसिस के ऊपर सब लोग मेरे को एक चीज तो बोलेगा, मेरे को बोलो मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स के 900 यूनिट्स, 1000 तो यहां पे लिख सकते हो 1000, बस ये 150 वाला ही मेरे को अमाउंट चाहिए था जो मैंने तुम लोगों से पूछा। अभी 12,000 यहां पर लिख देना, दैट विल बी फार बेटर। इस चीज को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं, अच्छा सुनो मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था यार, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे ये नहीं लिखा होता रिलेटेड टू प्रोडक्शन या जनरल, और मेरे ख्याल से तो कोई हिंट भी नहीं थे, तो मेरे को बोलो उसको क्या मानू बेटा, जनरल, तो फिर वो सीओजीएस के नीचे आ जाएगा। Yes. मतलब यहां पे तो अभी कुछ लिखने वाले नहीं है, तो दिस विल बिकम सीओपी ऑल्सो। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अच्छा हम लोगों ने पर यूनिट वाला कॉलम बनाना ही छोड़ दिया इनफैक्ट, ठीक है। तो हम लोग जरा याद करो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालते थे, 12,000 इज द कॉस्ट फॉर 12,000 यूनिट,
मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बेटा कितने यूनिट्स हैं? 2000, क्योंकि 12000 के अंदर से 10000 तो बिक गया था ना, तो ये 2000 ही आ जाएगा. तो दिस विल गिव यू COGS 10000 एड एडमिनिस्ट्रेशन एड SND. दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट गेट सेल्स. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन 200 है, SND 300 है, तो ये 10,500 हो जाएगा. सेल्स जो है 10,000 यूनिट बिका, सेलिंग प्राइस 1.5 था, 15,000, 4,500 शुड बी योर प्रॉफिट. चलो सुनो, तुम्हारा ये वाला जो काम है दिस इज ऑल टुगेदर डन. इसके बाद एक मिनट, कॉस्ट शीट प्रिपेयर्ड इज ओनली ऑफ प्रोडक्ट M, हेंस देयर इज नो नीड टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट आल्सो. ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो होमवर्क वाले ही हैं. आप लोग यहां पे देख सकते हो कितने साइड आपको छोड़ने चाहिए, दो साइड दो साइड दो साइड, 8 साइड्स यू हैव टू बी लीविंग. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट होगा. ठीक है,